मेरी तरफ से हमारे चैनल क्लीम टीवी 2 को देखने और सुनने वाले सभी मौजूद दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे शहर के मुतल्लिक बात करने जा रहे हैं जो अपनी कदीम तारीख रखता है, जिसको हम अब कारखानों का घर भी कह सकते हैं। इसके मशहूर पार्क, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, मोटरवे, हाईवे, शहरात और इसकी पुरानी तारीख पर पर्दा उठाएंगे। लेकिन वीडियो में जाने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक वो हमारे इस चैनल क्लीम टीवी 2 पर नए हैं या अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका पैगाम आप सबसे पहले हासिल कर सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलो हम वीडियो की जानब बढ़ते हैं। रावलपिंडी सूबा पंजाब में सदा मुर्तफा पोठोहार में वाकई एक अहम शहर है। ये शहर पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान फिजाइया का सदर मुकाम भी है और 1960 में जब मौजूदा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जेरे तामीर था, इन दिनों में कायम मुकाम दारुल हुकूमत का एजाज़ रावलपिंडी को ही हासिल था। रावलपिंडी शहर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 5 किलोमीटर, लाहौर से 275 किलोमीटर, कराची से 1540 किलोमीटर, पेशावर से 160 किलोमीटर और क्वेटा से 1440 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। रावलपिंडी की आबादी तकरीबन 30 लाख से तजावज़ कर चुकी है। रावलपिंडी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है। ये शहर बहुत से कारखानों का घर है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट रावलपिंडी शहर में वाक़े है और ये एयरपोर्ट रावलपिंडी के शहर के साथ साथ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की भी खिदमात अदा करता है। रावलपिंडी की मशहूर सड़क मरी रोड हमेशा ही से सियासी जलसे जलूसों का मरकज रही है। रावलपिंडी मरी, नतिया गली, अयूबिया, एबटाबाद और शुमाली इलाका जात सवात, कगान, गिलगित, हुंजा, स्कर्दू और चित्राल जाने वाले सियाहों का बेस कैंप है। नाला लई अपने सैलाबी रेलों की वजह से बहुत मशहूर है, जो रावलपिंडी शहर के बीचों बीच बहता हुआ रावलपिंडी को दो हिस्सों, रावलपिंडी शहर और रावलपिंडी कैंट में तकसीम करता है। तारीख बताती है कि नाला लई का पानी कभी इतना साफ शफाफ और खालिस था कि उसे पिया जा सके। इस शहर की तारीख 200 साल से भी ज़ायद पुरानी है। तकसीम हिंद से कबल ये शहर फौजी नुक्ता निगाह से बड़ी अहमियत का हामिल था। मैसी गेट का मशहूर इलाका फौजी छावनी था और यहाँ रहने वालों में अक्सरियत सिखों की थी, जबकि पुराने रावलपिंडी शहर की अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा थी कि यहाँ से कश्मीर, श्रीनगर, अटक जाने के लिए फौजी काफले अपने पड़ाव के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। तारीखी किताबों में रावलपिंडी के बारे में दर्ज है कि इस शहर को 979 से लेकर 1030 में महमूद गजनवी ने कीखर ख़ानदान के सरबरा काई गोहर को तोहफे में दे दिया था। ये शहर फातेहीन की गुजरगाह रहा, मगर इन में किसी ने भी इस शहर की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। तहम कीखर ख़ानदान के एक और सरबरा जुंडा खान ने अपने दौर में इस शहर की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
और इसी ने इसका मौजूदा नाम रावलपिंडी रखा। ये नाम रखने की असल वजह ये थी कि 1493 में यहाँ एक गांव आबाद था जिसका नाम रावल था। रावलपिंडी कीकर खानदान के आखिरी सरबरा मुकर्रब खान के दौर तक कीकर खानदान की सरपरस्ती में फलता फूलता रहा, मगर फिर 1765 में सिखों ने कीकर खानदान को शिकस्त दे दी और यहां आकर आबाद हो गए। बाद इज़ा 1849 में बरतानिया ने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया और उसे बरतानवी फौज का हेडक्वार्टर बना दिया गया। 1879 में पंजाब नॉर्दर्न रेलवे में रावलपिंडी तक तौसी कर दी गई। ताहम यहाँ ट्रेन सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह 1 जनवरी 1886 से हुआ। 1919 में जब तीसरी अफगान जंग ख़त्म हुई तो बरतानिया और अफगानिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान इसी शहर में अमन समझौते पर दस्तखत हुए। तकसीम बरसगीर के बाद रावलपिंडी को पाकिस्तान फौज का जनरल हेडक्वार्टर बना दिया गया। ये शहर बहुत तेज़ी से तरक्की की नई मंजिल तय कर रहा है। आज रावलपिंडी सियासी और मुआशी दोनों एतबार से पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों में से एक है। हालिया दिनों में पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत के वजीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीबन 45 अरब रुपए की लागत और तुर्की की मदद से मरी रोड इस्लामाबाद में तैयार एक अजीमुल शान बैन अल-अक़वामी तर्ज की मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह किया है, जहां शहरियों को ट्रांसपोर्ट की सस्ती और आला सहूलत फराहम की, वहीं शहर की खूबसूरती और मुल्क की तरक्की की राह में चार चांद लगा दिए। पाकिस्तान के मरवजा निज़ाम शाहरात के तहत कायम बैनुल इजलाई शाहरात के जरिए ये शहर इस्लामाबाद अटक जहलम चकवाल मरी एबटाबाद के साथ मुतसिल है। जीटी रोड रावलपिंडी शहर को पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलाती है। जीटी रोड रावलपिंडी शहर के दरमियान में है। रावलपिंडी शहर को मोटरवे इस्लामाबाद और पिशावर और लाहौर और इस्लामाबाद से मिलाती है। दोनों मोटरवेज 6 लेनों पर मुश्तमल हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन 19वीं सदी में तमीर किया गया था। यहां से ट्रेनें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को जाती हैं, जिनमें कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, नौशहरा, हैदराबाद, सिबी, सखर, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, फैसलाबाद, लाडकाना, कोहाट, नवाबशाह, मियांवाली, सरगोधा, गुजरात, सियालकोट और जैकबाबाद हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, जो रावलपिंडी शहर में है। यहाँ पाकिस्तान की कौमी हवाबाज कंपनी PIA के अलावा 25 से ज़ायद निजी और इंटरनेशनल कंपनियाँ मुसाफरों के लिए अपने खिदमात सर अंजाम देती हैं। पुराने एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर दूर रावलपिंडी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बुनियाद रखी जा चुकी है और तमीर का काम ज़ोरों शोर से जारी है। रावलपिंडी में बहुत सारे अच्छे होटल, तवाम खाने, अजायब घर और सब्ज़ाज़ार हैं। रावलपिंडी को देखने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसके बाज़ारों में घूमा जाए। शहर की दो अहम शाहराहें जीटी रोड बिलअमूम मशरक से मगरब तक चलते हुए माल रोड कंटोनमेंट से होता हुआ गुजरता है और मरी रोड माल रोड के शुमाल से शुरू होता रेलवे लाइनों को ऊपर और नीचे से अबूर करता हुआ इस्लामाबाद तक पहुंचता है। रावलपिंडी के दो अहम बाज़ार, एक राजा बाज़ार जो के पुराने रावलपिंडी शहर में है और सदर बाज़ार मेट्रो बस सर्विस के लिए बनाए गए 9 किलोमीटर तवील पुल और इतनी ही लंबी फूलदार पौधों से लदी क्यारियां शामिल हैं। रावलपिंडी के मशहूर तरीन पार्क शाह बलूत पार्क, अयूब नेशनल पार्क, लियाकत बाग, नवाज शरीफ पार्क, गोल्फ कोर्स पार्क, चिल्ड्रन पार्क, जिना पार्क, जियाउल हक पार्क हैं।
नाजरीन मोहतरम, रावलपिंडी की तारीख को अगर हम फिर दोहराएं तो इसमें कुछ बातें नुमाया होती हैं। रावलपिंडी पिंडी के नाम से भी जाना जाता है। माहरीन आसार कदीमा इस बात पर यकीन रखते हैं कि पोठोहार सदम उर्थवा पर वाक़ सकाफत 3000 साल कदीम है। यहाँ मिलने वाला मादा इस बात का सबूत पेश करता है कि यहाँ पर बुद्ध परस्त लोगों का इस्तेहकाम टैक्सला और वैदी इस्तेहकाम हिंदू तमदन के अहम उमर हैं। टैक्सला इस बात से अहमियत का हामिल है कि इसका शुमार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी होता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी शाहिला यूनिवर्सिटी के आसारात मिले हैं। ये दिखाई देता है कि ये शहर नाकामी की तरफ एशिया की एक खाना बदोश कौम वाइट हिन की बर्बादी के बाइस किया गया था। इस इलाके में पहले मुसलमान हमला आवर महमूद गजनवी, जो के गजनी अफगानिस्तान से था, ने तबाह शुदा शहर को एक घीगढ़ हाकम गायगोर के हवाले कर दिया। शहर बहरहाल एक हमला आवरी के रास्ते पर होने के बायस कामयाब ना हो सका और तब तक बंजर रहा जब तक एक और घीगढ़ रहनुमा झुंडा खान आया और इसने शहर की सूरत हाल को दुरुस्त किया और इसका नाम एक गांव रावल के नाम पर 1493 में रावलपिंडी रख दिया। रावलपिंडी घीगड़ों के जेरे हुकूमत रहा, अदा के आखिरी घीगड़ हुक्मरान मुकर्रब खान को सिखों के हाथों 1765 में शिकस्त वाक़ हुई। सिखों ने दूसरे इलाकों के ताजरों को रावलपिंडी में आकर रहने की दावत दी। यूं रावलपिंडी नुमाया हुआ और तजारत के लिए बेहतरीन इलाका साबित होकर उभरा। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में अपने दोस्त कलीमुल्ला को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।